गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के बारे में। आज हम लोग उस पर एक क्वेश्चन करेंगे। ऐसा क्वेश्चन है कि इफ एफ मैप्स आर टू आर, मतलब एफ एक फंक्शन है जो रियल नंबर से रियल नंबर में मैपिंग करा रहा है, और एक जी है जो रियल नंबर से रियल नंबर में, आर गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स कॉस ऑफ एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है कॉस एक्स, और जी ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है थ्री इंटू एक्स स्क्वायर। अब आपको निकालना क्या है, फाइंड जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी, ठीक है। और ये भी लास्ट में जब ये निकल जाएगा तो लास्ट में शो करना है कि जी ऑफ एफ डज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ जी। तो कल जो हम पढ़े थे जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी, बस उसी की तरह है। पिछले क्लास में जो हम लोगों ने देखा था कि एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो जी ऑफ एफ डिफाइंड कब होता है, जब क्या होता है कि f का जो रेंज है वो डोमेन ऑफ g का सबसेट हो। क्या हो डोमेन ऑफ g का? तो यहां पर हम कल शॉर्ट में भी बता दिए थे आपको कि अगर ये r टू r है और ये भी r टू r है तो f ऑफ g भी डिफाइंड होगा और g ऑफ f भी क्या होगा डिफाइंड होगा, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन क्या क्या है सो देखिए, f मैप्स है r टू r और एफ एक्स इक्वल्स कितना है कॉस एक्स, और जी मैप्स है आर टू आर और जी एक्स इक्वल्स कितना है थ्री एक्स स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन आपको जैसे कि बोर्ड एग्जाम्स में दो नंबर वाले क्वेश्चन या फिर पांच नंबर वाले क्वेश्चन में भी आपको आ सकते हैं। पांच नंबर वाले क्वेश्चन थोड़े से टफ होंगे, टफ क्या होंगे, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन होगा, ठीक है, देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमको निकालना क्या है, जी ऑफ क्या निकालना है। तो जी ऑफ एफ के लिए यहां एफ के साथ कुछ ना कुछ रहना चाहिए, एफ के साथ क्या रहना चाहिए, जैसे एक्स वाई जेड कुछ तो रहना चाहिए या फिर कोई नंबर रहना चाहिए। तो यहां पर हम लोग नंबर नहीं लेंगे क्योंकि यहां रियल नंबर से रियल नंबर में है, तो नंबर तो यहां पर बहुत सारा होगा, इसलिए क्या लेंगे, कोई एक्स ले लेंगे, क्या लेंगे, जो कि पूरे रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, क्या करेगा, पूरे रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि लेट x belongs to R, x क्या कर लिए हम लोग, कोई रियल नंबर का एलिमेंट ले लिए, ठीक है। तो g of f x अगर निकाले, क्या निकाले, g of f x, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बोलिए, g बाहर रहेगा, आगे पहले g है फिर कौन रहेगा f x, उसके बाद इतना तो हो सकता है, इतना आप लोग जानते हैं। अच्छा चलिए सुनिए, अब सुनो एफ एक्स का वैल्यू कितना है सो बताओ, तो बस ये एफ एक्स कितना कौन हो जाएगा जी कॉस एक्स, क्या हो जाएगा जी, यहां तक में दिक्कत नहीं है। चलिए अब एक चीज बताइए, यहां एक्स है, देखिए यहां भी जी है यहां भी, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, यहां एक्स है और यहां कॉस एक्स है। अगर यहां एक्स है तो क्या है, थ्री इंटू एक्स का स्क्वायर है, तो हम लोग को क्या करना है कि x के जगह किसको रख देना है cos x को, किसको रख देना है x के जगह, तो ये क्या हो जाएगा, थ्री इंटू कॉस एक्स रख दिए इसका स्क्वायर हो जाएगा ऐसा, यानी कि क्या हो जाएगा थ्री कॉस स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है आप लोग को, कोई अगर दिक्कत होगा तो कहिएगा। तो g ऑफ f हम लोग निकाल चुके हैं, है ना, g ऑफ f हम लोग क्या निकाला, 3 ऑफ cos स्क्वायर x, इस क्या चीज, इसमें देखिए sin x स्क्वायर बन गया। एक मिनट देखिए, अभी आगे देखिए, फिर अभी क्वेश्चन को देखिए तब डिस्कस कीजिएगा। अब f ऑफ g निकालना है, देखो क्या निकालना है, ठीक है, तो f ऑफ g में क्या करेंगे बताओ बुजुर्ग, बताओ कौन होगा, चलो बताओ f कहां होगा, f बाहर होगा, चलो और g कहां होगा, अंदर होगा, चलो सुनो है सुनो, अभी जी एक्स का वैल्यू कितना है बताओ, जी एक्स का वैल्यू कितना है, तो बस थ्री एक्स स्क्वायर इसमें रख देंगे, रख दिया ऐसे। अब देखो कि पहचान करो, यहां x है तो cos x है, कितना है
ये एक्स है तब ना यहाँ पर एक्स रे। अगर इसको हम एक्स को बदल करके अगर 3x स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा? सुनो, ये कॉस रावे करेगा, जो पहले से है वो रावे करेगा, जहां एक्स है वहां कौन होगा? 3x। कॉस के अंदर क्या हो जाएगा? 3x। बस हो गया, बात समझे? मैंने उसको सब्स्टिट्यूट कर देना है, मैंने प्रतिस्थापित कर देना है। क्या कर देना है? प्रतिस्थापित। मतलब ऐसे देखो, यहाँ x है तो यहाँ भी x है, अगर इस x को बदल के हम क्या कर दिए, 3x स्क्वायर कर दिए, तो क्या हो जाएगा? cos रहेगा ही, लेकिन इस x के द्वारा क्या हो जाएगा? 3x। बात समझ रहे हैं? बात समझ रहे? आपको बात समझे कि नहीं समझे? बात समझ गए ना कैसे बस हो? अच्छा, अब बताइए कि दोनों हम निकाल लिए, दोनों बराबर है कि अलग अलग है? अच्छा बताइए, x का कोई भी, अगर x हम कोई भी रियल नंबर इसमें रख दे तो ये दोनों क्या कभी बराबर होगा? कभी बराबर नहीं होगा दोनों। काहे? काहे कि देखो, cos का मान होता है -1 से 1 के बीच में, ये आप लोग पढ़ेंगे 11th क्लास में, और cos स्क्वायर x का होता है 0 से 1 के बीच में, यानी इसका वैल्यू क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू से कितना होगा? 3 होगा मैक्सिमम वैल्यू, कितना होगा? 3। और यहाँ पर x का कोई भी वैल्यू रख दे, मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? 1 होगा, कितना होगा? तो ये दोनों क्या होगा? कभी भी बराबर। ये दोनों कभी बराबर किसी भी रियल नंबर के लिए क्या होगा? ये दोनों बराबर। लेकिन लास्ट में, क्योंकि f ऑफ जी एक्स डज नॉट इक्वल्स टू जी ऑफ एफ एक्स, देयरफॉर f ऑफ जी डज नॉट इक्वल्स टू जी ऑफ, यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। देख लीजिए, इतना अगर आप कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? आपको दो नंबर में दो नंबर मिल जाएगा। ठीक है, बैठ जाइए। ठीक है, इसको नोट करिए आप लोग इस क्वेश्चन को। तो देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन है हम लोग का, एफ एक्स और जी एक्स गिवन है, तो हम लोग को जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी निकालना है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी आ सकते हैं। देखिए, तो क्या निकालना है हमको? जी ऑफ एफ निकालना है। अब यहां दोनों में क्या है? एक्स है दोनों में, क्या है? और सिंपल बात, यहां एफ के साथ क्या है? एक्स है, तो यहां भी क्या रखेंगे? अब अलग देखो रे, ठीक है, तो यहां एक्स रखे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा रे? ऐसा हो जाएगा, अरे ऐसा हो जाएगा, देखो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा। अच्छा चलो, ऐसा हो गया तो एक बात तुम हमको बताओ रे, यहां एफ एक्स की जगह तुम क्या रखोगे? चलो अब तुम रख दिया 8x³। ठीक है, लेकिन यहां x के जगह कितना कर रहा है ये? g का क्या काम है? देखो, g के कर रहा है, x को बदल रहा है, x के पावर 1/3, यानी जो भी है उस पर 1/3 हो जाएगा, जो भी है उस पर पावर, माने जहां पर ये है ना उसके जगह कितना हो जाएगा? 1/3। कितना हो जाएगा बताओ? 8x³ रख दिया, अब इसके बाद इस पर 1/3 हो जाएगा। ऐसा रे, ऐसा नहीं हो सकता है? चलो सुनो सुनो सुनो, बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। आप सुनिए, ये दोनों पर देखो, दोनों गुना में है, किसमें है दोनों? तो पावर भी क्या हो जाएगा? दोनों पर चढ़ जाएगा। ये आप लोग जानते हैं, पहले बच्चा क्लास में जानते हैं। अच्छा, 8 को आप क्या लिख सकते हैं? हो बताइए, 8 को क्या? छोड़िए, 8 का पावर 1/3 कितना होगा? 8 का पावर 1/3 कितना होगा? 2 हो जाएगा। ठीक, अब 2 कैसे होगा बताते हैं। और x का पावर कितना है? 3 × 1/3। काहे कि ये दोनों गुना हो जाएगा, पावर है तो। अभी 3 से 3 क्या हो जाएगा? कितना आ गया? आ गया 2x। अब सुनो, 8 का पावर 1/3 का मतलब क्या हुआ रे? सुनो, 8 का तुमको घनमूल निकालना है। क्या निकालना है? यानी क्यूब रूट। क्या निकालना है? 8 को क्या लिखेंगे? 2 × 2 ×। अभी 3 को जैसा क्या को निकलेगा? एगो निकलेगा, तो इसलिए 8 के पावर 1/3 कितना लिखे हम लोग यहां पर? बात समझ रहा है रे? उसके बाद ये पावर में है तो एक फॉर्मूला होता है, a के पावर m का होल पावर n बराबर a के पावर m इनटू, इसलिए ये 3 और 1/3 क्या हो गया? गुना हो गया। क्या हो गया? इसलिए 3 से 3 क्या हो जाएगा? क्योंकि 3 यहां गुना में है, यहां भाग में है, तो कटेगा नहीं,
जीओ पास निकल गया, अब क्या निकलेगा टूडे? एफ ऑफ जी। ठीक है, तुमको तो वही सुझेगा। चलो एफ ऑफ जी निकालना है तो क्या होगा? एफ ऑफ जी एक्स। चलो ऐ सुनो, बाहर में कौन है फिर से? जी एक्स का वैल्यू कितना है रे? देखना जी एक्स का वैल्यू कितना है, देखो तो। चलो अब फिर एफ एक्स यहां एक्स है, एक्स की जगह पर यहां भी एक्स है। अभी एक्स को किससे बदलेंगे? एक्स के पावर एक बटा तीन से कहा हो जाते बताओ? आठ इंटू कितना रे? एक्स के पावर एक बटा तो एक्स के तरह ना, एक्स के पावर एक बटा तीन होगा रे। अब पावर जो है वो तो पावर रहने करेगा, पावर घटेगा कभी? हो पावर घटता है। चलिए अब बताओ ये क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ क्या हो जाएगा रे? एक बटा तीन गुने इसे ही कट गया, कितना आ गया? आठ इंटू तो सॉरी मिटा गया रे। चलो क्या हो गया एफ ऑफ जी? आठ एक्स। जी ऑफ एफ कितना हो गया? टू एक्स। बात समझ गया? कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है? लिखो नोट करो इसको। देखिए अब ये क्वेश्चन है आपका कि एफ मैप्स आर टू आर एफ एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, फाइंड एफ ऑफ एफ एक्स। ये क्वेश्चन आपको 2020 के एनुअल एग्जाम में, ठीक है, वो भी बिहार बोर्ड में, ठीक है, पांच नंबर के क्वेश्चन में, कितने में? पांच मार्क्स के क्वेश्चन में पूछे हुए था, ठीक है, आप जाके देख सकते हैं। तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? ठीक है, फर्स्टली हम लोग क्या दिया हुआ है? एफ एक्स इक्वल्स कितना दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, ठीक है। चलो तो क्या निकालना है? एफ ऑफ एफ एक्स निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें? आपको पता है जो हम लोग करते हैं कि ये एफ को बाहर रखेंगे और ये वाले एफ को हम लोग ऐसे करके लिख देंगे, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से तो कर सकते हैं। अब एफ एक्स की जगह आप क्या रखिएगा सो बताइए? ये एफ एक्स की जगह ये पूरा रखिएगा, ठीक है। इसके बाद तो इधर सर अब क्या करें? तो देखो अगर आपको कठिनाई हो रही है इसको बनाने में, ठीक है, तो आप इसको कुछ मान लीजिए, क्या कर लीजिए इसको? कुछ मान लीजिए, जैसे मान लीजिए इसको मान लेते हैं हम लोग y, मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, यहां पर लीजिएगा बगल में, लेट y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस। ऐसा इसलिए मान लिए हैं y क्योंकि इसको सॉल्व करने में क्या होगा, आगे दिक्कत नहीं होगा। देखिए अब अगर y मान लिए हैं, देखिए अगर यहां x है, क्या है, क्या है यहां? yes. तो यहां पर क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। अगर इसको x को हम y से बदल दें, किससे बदल दें, तो क्या लिखा जाएगा यहां पर? y स्क्वायर माइनस, ऐसा चला आएगा। अब फिर से चूंकि हमको लाना किस में है, x के रूप में ही लाना है, किसके रूप में लाना है, तो फिर क्या करेंगे, इस y की जगह किसको रख देंगे? एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, फिर माइनस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू प्लस टू, ऐसा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए अब इसको आप तोड़िएगा, तो इसमें क्या टर्म है? तीन टर्म है, कितना टर्म है? तो अब तीन टर्म के लिए तो एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, या फिर टू से गुना करके भी हो सकता है, यानी कि टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए, यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा इसका? एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस थ्री एक्स, ले लीजिए उसके बाद क्या होगा? टू का स्क्वायर। अब उसके बाद क्या कीजिएगा बताइए? टू ए बी, अब सुनिए ए तो प्लस में है लेकिन बी किस में है, तो रिजल्ट भी क्या चलाएगा आगे? माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर इंटू थ्री एक्स। अगर आप यहां प्लस दीजिएगा तो यहां क्या देना होगा? माइनस देना होगा, ठीक है। फिर अगला में क्या कीजिएगा? प्लस टू बी ए, क्या होगा?
टू बी, कोई दिक्कत इसमें तोड़ रहे हैं फॉर्मूला पर, फिर क्या होगा ठीक है, टू ए बी टू बी सी और फिर टू सी टू इंटू एक्स स्क्वायर, तो इसको हम लोग तोड़ लिए। इसके बाद हम लोग इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा माइनस, थ्री को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो कितना चला आएगा, फिर माइनस माइनस तीन तिहाई नौ एक्स माइनस प्लस तीन दुना ऐसा हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा देखिए, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा सो बताइए, एक्स के पावर चार माइनस थ्री एक्स का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा नौ एक्स स्क्वायर, दो का स्क्वायर चार, फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए देखिए प्लस माइनस, प्लस माइनस हो अब देखिए तीन दुना छ, एक्स स्क्वायर को एक्स से करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, अब प्लस माइनस दो तिहाई छ दुनी, अब फिर यहां क्या होगा दो दुना ठीक है, फिर यहां क्या है माइनस प्लस माइनस छ प्लस, अब सुनिए जैसे अब एक्स स्क्वायर वाले को एक तरफ कर लीजिए, क्यूब वाले को एक तरफ, एक्स वाले को एक तरफ और कॉन्स्टेंट को एक तरफ, तो एक्स के पावर चार वाला तो अकेले एक्स के पावर चार ही है, फिर क्यूब वाला लिख लीजिए। अब देखिए अब एक्स स्क्वायर वाला क्या हुआ है, वो नौ एक्स स्क्वायर है, चार एक्स स्क्वायर है और थ्री एक्स स्क्वायर है, तब बताइए आप नौ एक्स स्क्वायर, चूंकि ये क्या हो गया समान पद हो गया ना, चार एक्स स्क्वायर ये जोड़ना है, अब फिर क्या करना है इसमें से कितना होगा नौ चार तेरह एक्स स्क्वायर, इसमें से तीन एक्स स्क्वायर आपको घटा देना, तो कितना चला आया दस एक्स स्क्वायर, यहां लिख देंगे दस एक्स स्क्वायर ठीक है। इसके बाद अब एक्स वाला कौन है माइनस बारह एक्स और प्लस नौ एक्स, कितना होगा माइनस तीन एक्स ठीक है, अभी चार है तो चार दो छ में छ गया था जीरो लिखिए चाहे, यही क्या हो गया आपका आंसर। इतना अगर कर लीजिएगा तो उस साल जो 2020 में पूछा था क्वेश्चन ये पांच नंबर में, इतना करने के बाद आपको पांच नंबर फुल्ली मिल जाएगा। ये पांच नंबर क्वेश्चन इसलिए भी पूछा क्योंकि इसमें थोड़ा सा लॉन्ग इसमें एक्सपेंशन है ठीक है, इसलिए आपको पांच नंबर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था। तो भाई जब कहीं पूछ दे उसके बाद तो अभी तक नहीं पूछा है इस तरह का क्वेश्चन पांच नंबर में ठीक है, लेकिन कहीं आप लोग एग्जाम में पूछ दे नोट कीजिए इसको, समझे है कि नहीं समझे है ना ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, आप लोग क्वेश्चन बना के देखिए ठीक है, अगले दिन में हम लोग क्या करेंगे कि इनवर्स फंक्शन को पढ़ेंगे ठीक है, रहने देते हैं आज के लिए इतना ही, और डाउट अगर कोई हो तो आप कमेंट में जरूर दीजिए। थैंक यू।